लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के मामले में कई बड़े खुलासे कर दिए, जिससे कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य लोगों की फोन रिकॉर्डिंग्स दी थी। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था और इस पेनड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेनड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेन ड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया। और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए। बुधवार को लोकेश शर्मा के इस खुलासे के बाद गुरुवार को भीषण गर्मी में राजस्थान की सियासत का पारा हाई हो गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अब जनता ही कांग्रेस को जवाब देगी। अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जिस तरह की बातें कही और उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, वो आपके सामने है कि हम कितना राजनीति में कैसा करते हैं, ये सभी आपके सामने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता जवाब देना चाहेगी भ्रष्टाचार का, जनता जवाब देना चाहेगी युवाओं के साथ पेपर लीक करके किया कुठाराघात का, जनता चाहेगी तुष्टीकरण का जवाब देना। मैं आपसे कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता तैयार बैठी है इन सारी बातों का जवाब देने के लिए। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। दूसरी तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत डिफेंसिव मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में जो माहौल है कि कब कौन किस पार्टी में है, तो ऐसे में कौन क्या कह रहा है इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ओएसडी का क्या फैसला था मुझे मालूम नहीं, ना मैं बातों पर पड़ता हूं। देखिए कौन कब स्टाफ में रहता है, बाद में कौन, आप जानते हो तो जो माहौल चल रहा देश के अंदर, कब कौन किस पार्टी में है, कब पार्टी छोड़ दे, कब पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले, आप देख लो ये माहौल है देश के अंदर। तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है उसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सच्चे में जाना चाहिए सच्चाई क्या है। चुनाव में अब ये मुद्दा कांग्रेस पर कितना भारी पड़ेगा ये राजस्थान की जनता तय कर देगी।